गाना याद आ गया भाई, विनीत जमशेद का बड़ा जबरदस्त गाना था। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को। तो कैसी शाम है जी इस वक्त? ढलता सूरज, खूबसूरत सूरज, और क्या ही खूबसूरत टाइम। इससे प्यारा वक्त वो नहीं आ सकता। समझ बेटे, आज मैं आपको होम्योपैथी मुजद के बारे में कुछ बताऊंगी। मूल हनुमान एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन इंसानियत के दुखों को दूर करने की तृष्णा जी इनके अंदर खत्म ना हुई। अगर अच्छा मालिज उनकी तशखीस दुरुस्त करेगा तो इलाज यकीनी है और शफा यकीनी। हनुमान इन रुकावटों के बारे में ये बताते हैं कि ये रुकावटें दो किस्म की हैं। एक रुकावटें दिमागी जहनी, जैसे मायूसी, डिप्रेशन, उदासी। डॉक्टर हनुमान दूसरी किस्म की रुकावटों को मियाज्मेटिक रुकावटें बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर तीन किस्म के मियाज्म होते हैं, एक सूरा, एक सिफिलिस और एक साइकोसिस। फिर वो कहते हैं कि एक चौथी किस्म का मियाज्म भी वो इंसान के अंदर शफा के रास्ते में हाइल हो सकता है, जिसे ट्यूबर कॉलर कहा जाता है। इसलिए एक मालिश को इन मियाज़म की तरफ खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और सबसे पहले इन रुकावटों को दूर करना चाहिए ताकि उसका मरीज सेहतियाब हो सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि मियाज़म होता क्या है। एक शख्स बार बार नज़ला जुकाम का शिकार होता है, सांस की तकलीफ होती है, उसको दमे की तकलीफ है, या उसका सांस दब जाता है, या उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो ऐसी सूरत में उस मरीज की आंत वर्म आलूदा हो जाएगी, आंत में वर्म आ जाएगा और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और जब ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो इसकी अलामत को मद्देनजर रखकर बेहतरीन दवाई जो मालिज इसके लिए सिलेक्ट करेगा वो है फास्फोरस। वो एक मरीज को ये दवाई दे रहा है लेकिन अफाका नहीं हो रहा, तो इसके लिए उसको मरीज की बारीक से बारीक अलामत और ख़ानदानी हिस्ट्री को देखना है। अगर उसके ख़ानदानी हिस्ट्री में टीबी का मर्ज़ गालिब है तो समझ लीजिए कि इसके लिए ट्यूबर कोलिनम की हाई पोटेंसी की एक खुराक पहले देनी पड़ेगी और उसके बाद फास्फोरस को दें, उस वो मर्ज यकीनी दफा होगा और शफा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज मैं आपसे मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री थोड़ी सी शेयर करूंगा और थोड़ा सा बेर कर लीजिएगा, पंखा मैंने चलाया हुआ है, इसकी ऑडियो थोड़ी सी आपको आ रही होगी, बट मैं क्या करूं, यहाँ एक्चुअली गर्मी काफी है तो इसलिए मैंने फैन साथ ऑन किया हुआ। खैर, तो थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की थोड़ी सी हिस्ट्री, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं इसको मैं एंड में कंक्लूड करूंगा कि क्यों बता रहा हूं। नंबर वन, एक तो आपको पता है कि 10,000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री है, 10,000 साल पहले की ये सिविलाइजेशन थी। नंबर टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ये अपने टाइम की सबसे मॉडर्न सोसाइटी थी। जो पहिया होता है, पहिया सबसे पहले मोहनजोदड़ो में ही बनाया गया। और याद रखें कि इनकी जो जबान थी वो सुमेरी कहलाती है। जो सुमेरी जबान है उसका स्क्रिप्ट, फर्स्ट टाइम किसी जबान का स्क्रिप्ट लिखा गया था और वो है सुमेरी जबान। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंडस्ट्री, आपने सुना होगा कि इंडस्ट्री जो वर्ड है, एक्चुअली ये वर्ड डिराइव हुआ है इंडस से। और इंडस से क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि सबसे पहली दुनिया की इंडस्ट्री मोहनजोदड़ो में लगाई गई थी, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। तो वहीं से आज भी ये वर्ड इंडस्ट्री यूज करते हैं कहीं भी अगर इंडस्ट्री दुनिया में लगती है। वो इंडस्ट्री क्या थी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। वो जो इंडस्ट्री थी वो कपास, मतलब उसमें होता क्या था कि कपास से धागा और धागे से कपड़ा बनाया जाता था, धागे से कपड़ा। और उसके बाद सबसे पहले कपड़े को रंग भी मोहनजोदड़ो में ही दिया गया। या उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट है वो भी मोहनजोदड़ो में ही बना, जो कि फर्स्ट ज्वेलरी भी मोहनजोदड़ो से ही निकली। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट
पहिया उन्होंने इन्वेंट किया तो ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सबसे पहले मोहनजोदड़ो ने ही दिया है वर्ल्ड को। यही से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती थी, बल्कि एक्सपोर्ट किया करते थे अपनी ज्वेलरी, अपना कपड़ा, और इंपोर्ट करते थे स्टोन्स को फॉर मेकिंग ज्वेलरी। उसके बाद एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉयज सोसाइटी थी जो हथियारों से पाक सोसाइटी थी, यहाँ पे हथियार नहीं थे। फिर सरतख्ती जो आर्ट और ज्योमेट्री की है सबसे पहले मोहनजोदड़ो में ही बनी गई है, यानी कि आर्ट और ज्योमेट्री के जो आसार हैं वो यहाँ से मिलते हैं, सबसे पहले यहाँ बनाए गए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं कहीं भी हम देखते हैं लगे हुए होते हैं, जो आज हमारी कॉन्सेप्ट है साइन बोर्ड्स का, ये सबसे पहले मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में ही देखे गए कि साइन बोर्ड्स लगाए गए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस वक्त की, क्योंकि यहाँ तरक्की ज्यादा थी, वहां पे माशी हालात बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से उनको हथियारों की जरूरत पड़ी, तो इसलिए ये हथियारों से पाक सोसाइटी थी, इट्स मेन के पीसफुल सिविलाइजेशन थी। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, आप ये सोच रहे होंगे कि आज मुझे ये क्या हुआ है आज इस एपिसोड में कि मैं आपको ये सब बता रहा हूं। इसकी रीजन है, रीजन ये है कि जी जिस सोसाइटी में इतनी तरक्की थी आज से 10,000 साल पहले, एक और चीज मैं बताना भूल गया, जो मेजरिंग टूल्स हैं नापने के, नाप तोल के जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, वो भी फर्स्ट टाइम मोहनजोदड़ो में ही बने। नॉलेज इतना था, इतनी वो तरक्की याफ्ता थी उस वक्त की सिविलाइजेशन कि आप अंदाजा करें कि जब आज आप सिंध में जाते हैं, आज के दौर में हमारे पाकिस्तान का जो वो सूबा जब आप विजिट करते हैं, मैंने तो अक्सर विजिट किया जब आप कश्मीर से एंटर होते हैं सिंध के अंदर रहीमर खान की तरफ से जाते हुए, उसके बाद आगे टहरकी सखर एंड देन आगे जाम शुरू हुआ, ये जितने इलाके आपके आते हैं कराची तक, तो आपको बकायदा लगता है कि आप पाकिस्तान में 10 से 15 साल पीछे आ गए, बल्कि ज्यादा ही लगता है। तो नॉलेज नहीं है वहां पे, लोगों को तालीम नहीं दी जाती वहां पे, वडेरा सिस्टम आज भी चल रहा है। तो मेरा ये एक्चुअली मकसद ये था मोहनजोदड़ो पे ये हाईलाइट करने का कि हम लोगों को चाहिए कि अब हमें ऐसी, क्योंकि अब जो नया दौर है इसमें मॉडर्नाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है, चीजें इतनी बदल गई है कि अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, आपको मॉडर्नाइजेशन के लिए, या मैं कह सकता हूं कि जदीद दुनिया की जो मालूमात है वो कम है, तो आपका सर्वाइवल बड़ा कम। पाकिस्तान को, अब हमारे पाकिस्तान को ट्रेड एंड कॉमर्स और उसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दो शोबों पे हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे एक ब्लॉग से कुछ नहीं होगा, जो देख रहे हैं इस चीज को प्रमोट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें, इस तरह नहीं जबरदस्ती मत पढ़ाएं, उनको बताएं कि अहमियत क्या है साइंस टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड कॉमर्स, ये चीजें वो हैं जो मुल्क की तरक्की में बड़ा रोल प्ले करती है। मोहनजोदड़ो 10,000 साल पहले इस इलाके के इंडस्ट्री वर्ल्ड आज दुनिया में हम सुनते हैं वो हमारे यहाँ से निकला हुआ है, और हमारी जो आज की पीढ़ी है वो क्या कर रही है इस पर जरूर नजरसानी कीजिएगा। एक्चुअली मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री बताने का मकसद ये था।